9 सितंबर से राजधानी शताब्दी और दूरंतो ट्रेन में फ्लेक्सी फेयर सिस्टम लागू होने से कम 10% बढ़ेगा किराया। आज से सरकारी डिजिटल लॉकर में रखिए अपना ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस साथ रखने का झंझट खत्म। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, थानों में हुई FIR की कॉपी 24 घंटे के भीतर पुलिस वेबसाइट पर अपलोड करने को कहा। राजनाथ सिंह की अगुवाई में कश्मीर पर सभी दलों की बैठक, अब आतंकियों और अलगाववादियों में फर्क नहीं करेगी सरकार। सभी दलों की बैठक में 40 मुद्दों पर चर्चा, मदरसों के जरिए कट्टरवाद फैलाने और मदरसों की फंडिंग की होगी जांच। सूत्रों के मुताबिक सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के खराब हालात के लिए महबूबा सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को लेकर के किसी प्रकार का समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं। अलगाववादियों पर 100 करोड़ खर्च कर रही सरकार अब सख्त, पासपोर्ट जब्त करने और जेड सिक्योरिटी छीनने पर विचार। कश्मीर रवाना होने से पहले सेना प्रमुख जनरल सुहाग ने दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ के साथ की बैठक। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, हमले में 3 सेना के जवान घायल। पुंछ के कई गांवों में मिले पाकिस्तानी फायरिंग में दागे गए मोर्टार शेल, परसों रात हुई थी फायरिंग। कश्मीर घाटी में तैनात सुरक्षा बलों का हौसला बढ़ाने के लिए जम्मू में लोगों ने किया प्रदर्शन। कश्मीर घाटी में 2 महीने बाद भी सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं हालात, कई जिलों में कर्फ्यू जारी। भारत ने उच्चायुक्त के अपमान पर जताया विरोध, विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त बासित को किया तलब। कश्मीर पर भारतीय उच्चायुक्त गौतम बम्बावाले के बयान के बाद कराची में रद्द कर दिया गया था कार्यक्रम। सभा के बाद खाट की लूट पर बोले राहुल, खाट ले जाने वाले किसान को चोर और माल्या को डिफॉल्टर कहते हैं। किसान यात्रा के दूसरे दिन गोरखपुर में राहुल गांधी का रोड शो में सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जुड़ी। राहुल गांधी मुलायम और मोदी के इलाकों से दूर रहेंगे, वाराणसी, इटावा और कन्नौज नहीं जाएंगे राहुल। यूपी चुनाव पर पार्लियामेंटेरियन का सर्वे, BSP को सबसे ज्यादा 169 सीटें मिलने का अनुमान, मायावती CM के लिए पहली पसंद। BJP को 135 सीटों का अनुमान, वहीं SP का बुरा हाल, सिर्फ 74 सीटों पर सिमट सकती है, कांग्रेस को महज 15 सीटें। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर लखनऊ में CM अखिलेश यादव की जिलों के DM SP के साथ बैठक। पंजाब में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने कहा, यौन शोषण और स्कैंडल के आरोपों में घिरी आपका असली चेहरा सामने आया। आप और नवजोत सिद्धू के फ्रंट आवाज़ पंजाब में चुनावी तालमेल को लेकर नहीं बनी बात, बातचीत रही बेनतीजा। कल महिला आयोग के सामने पेश होंगे आशुतोष, सेक्स स्कैंडल सामने आने के बाद पूर्व मंत्री का किया था बचाव। संदीप के सेक्स स्कैंडल मामले में पुलिस को ब्लैकमेल करने के आरोपी प्रवीण के खिलाफ अब तक सबूत नहीं मिला। संदीप की CD के अश्लील कंटेंट को सर्कुलेट होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया साइट्स को लिखी चिट्ठी। सेक्स स्कैंडल में फंसे संदीप कुमार के बहाने BJP ने लगवाए आपके खिलाफ पोस्टर, आपको एंटी औरत पार्टी लिखा। आप विधायक देवेंद्र सहरावत के पिता ने देवेंद्र पर लगाया काला जादू करने का आरोप, केजरीवाल को भी लिखी थी चिट्ठी। पिता राम प्रकाश के लगाए आरोपों पर साफ कुछ भी नहीं बोले सहरावत, कहा अपने पिता से 8-9 महीने से अलग रहते हैं। राम प्रकाश का आरोप है कि देवेंद्र संपत्ति के लिए उन्हें मारने की भी धमकी देते हैं, रिवॉल्वर तान चुके हैं। टिकट के बदले यौन शोषण के आरोपों पर सहरावत ने कहा, संजय जितनी जल्दी मानहानि का दावा करें उतना अच्छा, मैं सबूत दूंगा। सहरावत ने कहा, केजरीवाल आधा समय PM के साथ उलझते हैं, बाकी समय इलाज करवाते हैं, विधायकों के लिए वक्त नहीं। विशाल ददलानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जैन मुनि पर आपत्तिजनक टिप्पणी के केस पर रोक की मांग की थी। ददलानी ने जैन मुनि सागर की वेशभूषा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, पंजाब के अम्बाला में दर्ज हुआ था केस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाओस पहुंचे, आसियान और पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। वित्त मंत्री जेटली ने GST को क्रांतिकारी कदम बताया, कहा टैक्स की बढ़ी दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी। ओमान की एक कंपनी में फंसे वडोदरा के युवक जिगर भावसार के परिवार ने लगाई विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने के खिलाफ कर्नाटक के मंड्या में आज भी किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु को पानी देने के विरोध में एक प्रदर्शनकारी ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी का 15,000 क्यूसेक पानी छोड़ना शुरू किया। कर्नाटक के किसानों के प्रदर्शन की वजह से तमिलनाडु के होसुर बॉर्डर पर लगा ट्रकों का लंबा जाम, बस यात्री परेशान। बेंगलुरु में JDS कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, तमिलनाडु को पानी देने पर गुस्सा जताया। कावेरी नदी को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक में पिछले 100 साल से जंग छिड़ी है, समझौतों पर नहीं बन पा रही है बात। आजम खान के खिलाफ लखनऊ में BJP कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, PM को मेढक कहने को लेकर कार्यकर्ता नाराज।
अंबेडकर पर आजम खान की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर गाजियाबाद में बीजेपी का प्रदर्शन, आजम का पुतला फूंका। आजम खान ने गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के दौरान अंबेडकर पर की थी विवादित टिप्पणी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक साहब की प्रतिमा खड़ी है, इस तरह उंगली का इशारा है कि ये जमीन तो मेरी है, वो सामने वाला जो खाली प्लाट है वो भी मेरा है। हरियाणा में बकरीद से पहले गो सेवा आयोग का फरमान, सड़क पर बिकने वाली बिरयानी में इस्तेमाल मांस की जांच को कहा। गो सेवा आयोग ने कहा, सड़क किनारे बिकने वाली बिरयानी में गोमांस के इस्तेमाल की काफी शिकायतें मिल रही हैं। भोपाल में राज्यपाल राम नरेश यादव के विदाई समारोह के दौरान एनसीपी कार्यकर्ता ने की आत्मदाह की कोशिश। राज्यपाल राम नरेश यादव की व्यापम घोटाले में गिरफ्तारी की मांग कर रहा था एनसीपी कार्यकर्ता। यूपी के मुरादाबाद में पीस पार्टी के विधायक अनीस रहमान के दखल से परेशान थानाध्यक्ष ने एसएसपी को लिखी चिट्ठी। थानाध्यक्ष ने कहा, विधायक के इशारे पर नहीं नाचूंगा, चाहे हटा दें, विधायक को इस बार एसपी ने दिया है टिकट। आगरा में सट्टे के खिलाफ आवाज उठाने वाली लड़की से बदमाशों की बदतमीजी, लड़की ने सीएम अखिलेश से मांगी मदद। नाजिया खान को उसकी बहादुरी के लिए हाल ही में महिला दिवस पर सीएम अखिलेश यादव से मिल चुका है सम्मान। मुंबई में एनसीपी विधायक ने छेड़छाड़ के आरोपी को लड़की से पिटवाया, विधायक के पास शिकायत लेकर पहुंची थी लड़की। एबीपी न्यूज से विधायक जितेंद्र अवार्ड ने कहा, लड़की खुदकुशी करने जा रही थी इसीलिए आरोपी को पिटवाया। मुंबई से सटे कल्याण में दारोगा को डुबोकर मारने की कोशिश, गणपति विसर्जन के दौरान दारोगा से हुआ था विवाद। उद्धव ठाकरे ने कहा, पुलिस अफसर पर हमला करने वालों के खिलाफ हो तुरंत कार्रवाई, सीएम फडणवीस से मिले उद्धव। दारोगा को डुबोकर मारने की कोशिश करने वाले चार में से तीन आरोपी गिरफ्तार, कैमरा में कैद हुई थी पूरी घटना। बिहार के तस्करों ने निकाला शराबबंदी का नया तोड़, नवादा में गैस सिलेंडरों से शराब की तस्करी का खुलासा। मुंबई में दमकल विभाग की शारीरिक परीक्षा में 200 परीक्षार्थी घायल, महापालिका को मानवाधिकार आयोग का नोटिस। लखनऊ में एक हफ्ते से जारी हॉकर्स की हड़ताल से घरों में नहीं पहुंच रहे हैं अखबार, हॉकर्स की कमीशन बढ़ाने की मांग। पटियाला की पंजाबी यूनिवर्सिटी में देश विरोध पोस्टर लगे, दो छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं पर आरोप। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्रों की 154 दिन की भूख हड़ताल खत्म, मांगे मानने के लिए राजी हुए कुलपति। यूनिवर्सिटी के छात्र निष्कासित छात्रों को बहाल करने समेत 46 सूत्रीय मांगों के लिए हड़ताल कर रहे थे। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हमले का मुख्य आरोपी मनोज गिरफ्तार, पिस्टल बरामद। दिल्ली के मंगोलपुरी में अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या, दो नाबालिग समेत चार गिरफ्तार। नोएडा के सेक्टर 18 में शॉपिंग करने आई राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी और उसकी दोस्त से छेड़छाड़, केस दर्ज। कानपुर में महिलाओं की समस्याएं सुनने पहुंची महिला आयोग की टीम, खाली बैठी रही, एक महिला भी समस्या लेकर नहीं पहुंची। यूपी के मुरादाबाद में स्कूल बस ट्रैक्टर से टक्कर के बाद पलटी, हादसे में 24 छात्र घायल। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में अवैध हथियारों के रैकेट का भंडाफोड़, हथियारों के साथ पांच आरोपी गिरफ्तार। कोलकाता एयरपोर्ट को मानव बम से उड़ाने की धमकी के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, धमकी देने वाले की तलाश। ओडिशा के कोरापुट में अंधविश्वास के चक्कर में बच्ची के पेट को हकीम ने गर्म कील से जलाया, बच्ची की हालत नाजुक। यूपी के मेरठ में बकरीद के लिए बाजार में बिकने आया 180 किलो का बकरा, मालिक ने 5 लाख रुपए लगाई बकरे की कीमत। हरियाणा के सोनीपत में रफ्तार का कहर, रोडवेज की बस ने बाइक सवार को कुचला। मेरठ में बिजली विभाग की लापरवाही से बच्चे के दोनों हाथ काटने पड़े, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया था बच्चा। बिहार के गया में पैमार नदी पर पुल के पास बना डायवर्जन टूटने से ट्रक पानी में फंसा, आवाजाही बाधित। मुंबई के सबसे धनी गणपति के दरबार में पहुंचे अभिषेक और ऐश्वर्या राय बच्चन, गणेश जी पर लदा है करीब 40 किलो सोना। तमिलनाडु के कोलाथुर में अनानास का इस्तेमाल कर गणपति की प्रतिमा बनाई गई, देखने उमड़ रहे हैं भक्त। खबरों के मुताबिक 31 दिसंबर के बाद भी कस्टमर बटोरने के लिए सस्ते ऑफर लाने की तैयारी में है रिलायंस जियो। सुजुकी ने जिक्सर स्ट्रीट स्पोर्ट के नेक्स्ट वर्जन का स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च किया, कीमत है करीब 80,000। स्पेन के जंगलों में सोमवार को लगी भीषण आग से अब तक हजारों पेड़ जलकर खाक, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। ब्रिटेन के केंट इलाके में पावर स्टेशन की चिमनी नियंत्रित धमाके के जरिए गिराई गई। चीन में बारिश की वजह से येलो नदी और जलाशय का पानी मिलने से शानदार नजारा देखने पहुंच रहे हैं लोग। न्यूजीलैंड में 6 साल की भारतीय मूल की बच्ची की जांबाजी, पिता के स्टोर में आए बदमाश से किया मुकाबला।